गोवर्धन के गांव अडींग में नोडल अधिकारी संदीप शर्मा, लाइनमैन माधव तिवारी, गजेंद्र सिंह भाटी एवं अन्य कर्मचारियों की संयुक्त टीम के नेतृत्व में विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान गांव में बिजली के 10,000 से ऊपर बड़े बकायेदारों से अवैध वसूली की गई। साथ ही साथ जिन बकायेदारों द्वारा बकाया राशि नेवर पेड कभी नहीं जमा किया गया उन पर कार्रवाई करते हुए उनका विद्युत कनेक्शन काट दिया गया। वहीं नोडल अधिकारी ने सभी बकायेदारों से जल्द बिल जमा कराने की हिदायत दी गई। नोडल अधिकारी संदीप शर्मा ने बताया कि विद्युत विभाग द्वारा आदेश के अनुसार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जितने भी कटिया कनेक्शन या बाईपास कनेक्शन हैं उन कनेक्शनों की सघन चेकिंग की जा रही है। जो बिजली चोरी या बाईपास कनेक्शन की अनियमितताओं में पाया जाता है उसके खिलाफ बिजली अधिनियम एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जांच में यह पाया गया कि बहुत से उपभोक्ता ऐसे हैं कि घर के कनेक्शन को दुकान में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन कनेक्शन को घरेलू से कमर्शियल भी किया जा रहा है। सुबह और शाम बिजली शेड्यूल के अनुसार बिना उपभोक्ता को नुकसान पहुंचाई लगातार चेकिंग की जाएगी। यह चेकिंग आने वाले 100 दिनों तक निरंतर चलेगी। इस मौके पर नोडल अधिकारी संदीप शर्मा, लाइनमैन माधव तिवारी, गजेंद्र सिंह भाटी, प्रताप बघेल आदि विद्युत कर्मचारी मौजूद रहे। जैसे आज क्या कार्रवाई गांव अडिंग में की जा रही है? आज की कार्रवाई ये है गांव अडिंग में कि जो बकायेदार हैं नेवर पेड के, उनसे वसूली का अभियान चलाया जा रहा है, जिससे वो कुछ पैसे जमा करके अपने नेवर पेड को बकाया छूट में आए जब क्लियर करा लें, जिससे उनकी स्थिति बकाए से हट जाए और अपने कनेक्शन जो नहीं भर रहे हैं लोग वो उनको थोड़ा थोड़ा भर के चालू कर लें, नहीं तो उनकी पीडीसी करके, फोर्स पीडीसी करके उनको हटा दिया जाएगा, जिससे आगे संयोजन लेना संभव नहीं होगा। वो लोग FIR के लिए प्रेरित कर दिए जाएंगे, जिससे हमारे जो बिजली विभाग की वसूली है उसमें थोड़ा राजस्व की बढ़ोतरी मांगी जा रही है। लाइन लॉस ज़्यादा हो रहा है, लोग 4 साल से लगभग बिल पेड नहीं कर रहे हैं, वो दिक्कतें आ रही हैं। कृपया वो लोग अपना बिल पेड करें, जिससे विभाग की राजस्व की हानि से बच सके और अपनी लाइट को सुलभ लें। अच्छा, कुछ घर ऐसे भी हैं चोरी से लाइट जलाते हुए कई बार पकड़े जाते हैं, क्या उन पर कार्रवाई की जाती है? उनकी कार्रवाई एक बार तो उनको छोड़ा जाता है, फिर दोबारा से अगर वो हाथ आते हैं या पकड़े जाते हैं तो उनकी FIR 135 में की जाती है।